भार झारखंड, जय झारखंड। आदरणीय सांसद महोदय का कहीं संबोधन हो रहा था और उस संबोधन में महोदय इनडायरेक्ट रूप से मेरा नाम लिए बगैर मुझ पर कुछ चर्चा कर रहे थे और उन्होंने अंत में एक शब्द, एक वाक्य को कहने का कार्य किया। वह यह वाक्य था कि जाओ माँ से पूछ लो। हालांकि अगर हम गांव घर में अगर इस तरह के शब्दों का उपयोग करते हैं, वाक्यों का, कि माँ से पूछ लो, बाप से पूछ लो, तो हमें लगता है कि अशोभनीय शब्द होते हैं। और एक सांसद महोदय के कंठ से इस प्रकार के वाक्यों का निकलना मुझे लगता है कतई शोभा नहीं। हम युवा हैं, हम सब आलोचना तीखा शायद कर लें क्योंकि हम लोगों की उम्र 29 साल है। तो खैर, आपने हमारी माता की बीमारी जो थी उसमें इलाज के संबंध में कुछ कह रहे थे और आपने जैसे ही कहा कि जब माँ से पूछ लो, सच में हमने माँ से पूछा क्योंकि हमने इससे पहले, और चूंकि उस वीडियो में आपने खुद कहा कि उसके पास टाइम नहीं था, उसकी माँ 3 महीना से बेड में पड़ी थी, तो सही बात है। आज भी मेरा वही कंडीशन है, मेरा आज भी वही रूटीन है, मैं घर नहीं जा पाता हूँ, माँ की क्या स्थिति मैं नहीं देख पाता हूँ। तो लिहाजा आपने जैसे ही कहा कि माँ से पूछ लो, मैंने पूछा कि जब आपका तबीयत ख़राब था तो आपसे मिलने कौन कौन आया था। तो मुझे जो बातें पता चली आज आपसे अपनी माँ से बात करने के क्रम में, मैं शेयर करना चाहता हूँ। मैंने शुरू से कहा कि मैंने कभी सच्चाई झारखंड वासियों से नहीं छुपाई। मैंने जगन्नाथ महतो के लिए प्रचार किया था, मैंने शहर स्वीकार किया। मैंने मथुरा प्रसाद महतो के लिए प्रचार किया था, मैंने शहर स्वीकार किया। और आज जो माननीय सांसद महोदय के मुखारबिन से जो बयान आया है, मैं उस पर बात करना चाहता हूँ। तो जब मैंने माँ से पूछा तो मेरी माँ थोड़ा पहले भावुक हुई क्योंकि जिस शख्स ने माँ को घर से लेकर अस्पताल गया था, उनका नाम स्वर्गीय सौरभ महतो है। आज वो दुनिया में नहीं है, प्रार्थना करते हैं। उनसे हमारी मित्रता है। हम गांव में नहीं थे, हम घर में नहीं थे, हम मामा घर में रह के आंदोलन कर रहे थे और वही लेकर गए थे। तो माँ ने घटनाक्रम बताया कि 2 लोग थे, सौरभ को पहचानती हैं और शायद जो सौरभ के साथ थे उनके जीजा थे जिनके माध्यम से उनको अस्पताल लेके जाया गया। और कभी भी माननीय सांसद महोदय, आप दिल पे हाथ रख के कही, आपसे हमारी कभी ना टेलीफोनिक बात हुई है, ना कभी मैंने आपको मदद के लिए कहा था, कभी नहीं कहा। हाँ, सौरभ हमारे मित्र थे, उन्होंने जिद किया कि हम किसी प्रकार से मदद करेंगे, हम इलाज के लिए जिम्मा लेते हैं, तुम आंदोलन करो। लेकिन मुझे नहीं पता था उनके तार आपके साथ जुड़े हैं। लेकिन चूंकि आपने पूछा माँ से पूछ लो, मैंने पूछा और सारी जो भी बातें माँ ने बताई मैं बता रहा हूँ। तो जब उनको रांची के गुलमोहर नामक अस्पताल है वहाँ एडमिट कराया गया और संभवतः स्वर्गीय सौरभ जो हमारे मित्र हैं उनके जीजाजी से सांसद महोदय की शायद मित्रता है या फिर संबंधी हैं, जो भी है, मुझे उसकी जानकारी अभी तक ठीक से नहीं है। तो उस दरमियान आपके दल के भी लोग मिले माता से, क्योंकि सौरभ जी आप आज नहीं रहे हमारे मित्र, उनके जीजाजी आपके दल से थे। उसी दरमियान सिल्ली के पूर्व विधायक माननीय अमित महतो जी भी, उनके साथी चंचल जी आए थे, उनका भी सहयोग मिला। चूंकि आप ही ने पूछा माँ से पूछ लो, तो मैंने पूछा और सारी घटनाओं को जानने का मैंने प्रयास किया। तो चंचल जी भी आए थे। सबसे पहले सांसद महोदय, सार्वजनिक तौर पर आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारी माता का इलाज करवाने में सहयोग किया। अमित दादा का भी धन्यवाद क्योंकि पता चला कि उनका भी योगदान था, चंचल दा आए हुए थे, उनका भी धन्यवाद। और साथ ही जानने के क्रम में यह भी पता चला कि 18 दरोगा की टीम पहुंची थी, जो भी थे, जो भी दरोगा की टीम का नेतृत्व कर रहे थे, क्योंकि वो सरकारी लोग हैं, पता नहीं मेरी माँ का इलाज करना भी कहीं उन दरोगा के लिए गुनाह ना हो जाए, इसलिए मैं उनका नाम नहीं लेता हूँ। 18 जो 2018 बेच के 18 दरोगा हैं जो झारखंडी थे, उनके माध्यम से किसी ने 1000 रुपया, किसी ने 1500 रुपया देने का काम किया था, उन तमाम 18 के 18 दरोगा को मेरा धन्यवाद। चूंकि मैं नाम उनका नहीं लूंगा क्योंकि दरोगा हैं और मेरी माँ का मैंने इलाज करना भी कहीं अपराध ना हो जाए, सरकार कहीं उन पर दंडित ना कर दे, इसलिए मैं उनका दरोगा सबका नाम नहीं लूंगा। अमित दा का नाम दिल से लूंगा क्योंकि पता चला वे भी थे, और सांसद महोदय का भी दिल से नाम लूंगा क्योंकि जो सौरभ जी थे, क्योंकि सांसद महोदय कभी नहीं गए थे, लेकिन जो सौरभ जी थे उनका संबंध उनके जीजाजी से था और उनके जीजाजी का संबंध सांसद महोदय से था। ये कड़ी जब मैंने माँ से पूछा पता चला। और एक बात महोदय, आप जो इस प्रकार से एहसान गिना रहे हैं, चलिए अच्छी बात है, गरीब आदमी को उसका एहसान गिनाना ही चाहिए, ऐसे भी लोग गरीबों को एहसान बहुत जल्दी गिनाते हैं। आपने बिल्कुल सत्य कहा कि मेरी माँ बांस की ठटरी पर ही बंधा हुआ था, तो ये तो आप बिल्कुल स्पष्ट झारखंड वासी को बता रहे हैं और मैंने भी बताया कि हाँ, मैं निर्धन परिवार का ही बेटा हूँ, आज भी मेरा घर मिट्टी का ही है। और बिल्कुल सत्य झारखंड वासियों कि जब मेरी माँ को इलाज करने के लिए ले जाया गया, बिल्कुल बांस का ठठरी ही था और बिल्कुल 3 महीना से बेड में थी। एक बार इलाज हुआ था, वो शायद सक्सेसफुल नहीं हुआ था, और मैं माटी की बात करने वाला बेटा, शहीद का बेटा, मैं माँ से बढ़कर मैंने माटी को तरजीह दिया। और सांसद महोदय, ये तो आपने ही खुद कहा
कि उसको इतना भी ख्याल नहीं रहता है कि माँ की चिंता करे। वो माँ को तीन महीने से बेड में छोड़कर आंदोलन कर रहा था। तो ये बात भी आपने खुद बताया कि झारखंड वासियों को संदेश भी दिया कि मैं कितना पागल हूँ कि मेरी माँ सैया बेड पर बैठी है, बीमार अवस्था में है और मैं माटी के लिए लड़ रहा हूँ, मैं झारखंड के आवाज बन रहा हूँ। तो ये चीजें भी आपने बताई और मेरी माँ के पांव में बांस का ठठरी लगा था, यानी मेरी आर्थिक स्थिति क्या थी ये भी आपने बताया, बिल्कुल धन्यवाद। लेकिन हाँ, इस प्रकार जो आपने एहसान गिनाया, पता नहीं कितना उचित है नहीं है, एक संसद के गरिमामय पद पर रहकर कितना उचित था नहीं था अलग विषय है, लेकिन मैं पहले आपको सार्वजनिक मंच पे तमाम मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से धन्यवाद देते हुए एक पहला बात तो प्रार्थना करूंगा कि जो मेरे परिवार की स्थिति है, मेरी माँ जो बांस की पटरी में बांस के लकड़ी के सहारे अपने पांव में बांधकर तीन महीना बेड में रही, मैं प्रार्थना करता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, बूढ़ा बाबा से प्रार्थना करता हूँ कि आपके परिवार को ऐसा दिन कभी ना देखना पड़े, कभी आपका परिवार ऐसा दिन ना देखना पड़े कि इलाज के अभाव में तीन महीना बेड पर पड़ा रहना पड़े और बांस की टटरी बांध कर रहना पड़े, आपका परिवार कभी ऐसा दिन ना देखे। लेकिन अगर आपके रिश्ते नाते सगे संबंधी अगर उनके साथ कभी कोई ऐसी घटना घटती है और अगर जनता का आशीर्वाद मुझे मिला और मैं भी सांसद बनता हूं, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं जिस प्रकार आपने मेरी माँ के इलाज में सहयोग किया था इनडायरेक्ट रूप से या डायरेक्ट रूप से मुझे अभी भी नहीं मालूम क्योंकि सौरभ जी नहीं है, मैं भी आपके उस सगे संबंधी का इलाज करवाऊंगा, ये मैं पूर्ण विश्वास और वचन देता हूं। अगर मैं ना भी बनूं लेकिन अगर कभी मेरी जरूरत पड़ी, चूंकि इस एहसान के बदले जो एहसान आपने मुझसे किया है, तो मैं कसम खा के कहता हूं मैं अपना ब्लड अपना रक्त बेचकर आपके उस सगे संबंधी का इलाज करने का मैं प्रयास करूंगा। और मैं पुनः धन्यवाद। लेकिन साथ ही एक सवाल, क्या लोकसभा का चुनाव मेरी माँ का इलाज आपने करवाया उस मुद्दे पर होना चाहिए या एक अच्छा अस्पताल के मुद्दे पर होना चाहिए ताकि आपको किसी पर एहसान ना करना पड़े? यदि एक बेहतर अस्पताल मुद्दा होता, आज अगर बेहतर एक अस्पताल आपकी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता, अगर ये आपका मुद्दा होता या फिर इसको आप धरातल पर लेके आते हैं, तो शायद मेरी जैसी न जाने कितनी माएँ होंगी जो इलाज के अभाव में तीन महीना सर बेड पर होंगी। और शायद अगर आप उनका इलाज कर भी दें सांसद महोदय, तो क्या पता भविष्य में फिर आप एहसान गिनाएंगे। इसीलिए आप भविष्य में इस बात का ध्यान रखिएगा, किसी माँ का इलाज इसलिए मत कीजिएगा कि एहसान गिनाइएगा। आपसे करबद्ध प्रार्थना होगी, आप अपने लोकसभा क्षेत्र में चूँकि आप प्रत्याशी हैं, भले हमसे आपकी टक्कर है, रहेगी ही राजनीतिक भिन्नता रहेगी, लेकिन अगर आप जीत के जाते हैं या मैं जीत के जाता हूँ अलग विषय है, तो प्रयास कीजिएगा कि किसी माँ कोई और माँ तीन महीना बेड पर इलाज के अभाव में ना रहे, एक बेहतर अस्पताल की व्यवस्था करने का प्रयास कीजिएगा। क्योंकि आप सरकार में बैठे लोग थे, ऐसा नहीं था कि आप विपक्ष में बैठे लोग थे, लेकिन खैर आपने एहसान गिनाया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही आपको सार्वजनिक मंच के माध्यम से मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि मेरी माँ के इलाज में आज पता चला मुझे कि उसमें आपका भी योगदान था, क्योंकि मैं अभी तक मान रहा था कि हमारे मित्र सौरभ जो आज स्वर्गवासी हो चुके हैं वो टाटा सिजवा के हैं, उनका योगदान है। स्वाभाविक उनका योगदान तो था ही, लेकिन उनका संबंध किसी और से था और उसका संबंध आपसे था, ये कसम खा के बोलता हूँ, ये मुझे पता चला। हाँ, ये भी मुझे पता चला कि अमित दा के साथी चंचल जी, जिन उनको मैं कभी नहीं मिला हूँ, लेकिन जब आपने कहा कि माँ से पूछ लो, तो मैं आज पूछने घर गया हुआ था, ये सारी चीज़ें छनकर सामने आई। 18 दुर्गा भी थे, उनका भी धन्यवाद दूंगा। और आपसे आग्रह करूँगा, आप अगर किसी माँ की मदद करें तो सार्वजनिक मंचों पर कृपया, हम लोग 29 साल के युवा हैं, अगर हम लोग इस प्रकार की कभी टिक्का टिप्पणी करें तो लोग समझ सकते हैं। आप 50 वर्ष की आयु में हैं, आप लगभग 20 वर्ष का आपका राजनीतिक अनुभव रहा, फिर भी आपने जो भी कहा सत्य ही कहा है, सही में आपका भी इनडायरेक्ट रूप से योगदान रहा। तो खैर, आपको पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं पुनः प्रार्थना करूंगा कि जिस प्रकार जिस विकट परिस्थिति में आपने मेरे परिवार का मेरी माँ का मदद किया है, मैं प्रार्थना करूंगा आपका परिवार ऐसा दिन कभी ना देखे, कभी भी ऐसा दिन आपका परिवार ना देखे, मैं ये प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद सांसद महोदय, और साथ ही धन्यवाद अमित दादा का भी, धन्यवाद उन तमाम 18 दरोगा भाइयों का जो हमारी माँ तक सहयोग पहुँचाने के लिए रांची अस्पताल में, गुलमोहर अस्पताल है, हम अभी तक नहीं जानते हैं, क्योंकि उस समय में हमने अपने छोटे भाई को जिम्मा दे दिया था और बलराम जो हमारे साथ रहता है, विकास आज दुनिया में नहीं रहा, उनको हमने जिम्मा दिया था। पुनः धन्यवाद।
बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट UG में 700 मार्क्स पार, 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स, 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम। The followup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in.